इनके नाम क्या है भैया? मकुंदा यादव। तो ये किसान मकुंदा यादव है, ग्राम दानोखार और तहसील लोरमी, जिला मुंगेली के। ये इनका आप खेत देख सकते हैं, और इस खेत में ये क्या फसल लगाई है आपने? कोदो। कोदो का फसल लगाए हैं। इसके बारे में, कोदो के बारे में कुछ बताइए। कोदो के बारे में बोले पड़ते धान असन वो भी और तीन एक 5 महीना में हो जाएगी कटाई। एखर कटाई हो जाएगी 5 महीना में, काट के फिर ओका बीज फूट के और तीन एक दरे पड़ते जतवा में फिर रोटी खा ले, चावल खा ले, सब ठीक रहते, शुद्ध भोजन है। तो इसमें आपने बोने के बाद में कौन सा खाद डाला, क्या डाला, कुछ डाला है कि नहीं? नहीं डाले हैं कुछ खाद। तो आखिर कुछ खाद नहीं डाला है, ऐसे है होता है मनी लगाए खाद वा तो डाल गया। तो मुकुंदा यादव जी कह रहे हैं कि ये कोदो है, कोदो का खेत है इनका, ये देख सकते हैं। तो इसमें कोई केमिकल वाला खाद, जिसको हम यूरिया, पोटास, डीएपी, ये सब चीज़ें जो केमिकल है वो उपयोग नहीं किया जाता। इसमें आप गोबर खाद डाल सकते हैं, या जीवामृत जिसको गौमूत्र से बनाया जाता है। तो ये एक जैविक पद्धति से होने वाला अनाज है, और ये धान से, धान लगभग 3 महीने यानी कि 90 दिन या 120 दिन के अंदर में आ जाती है, लेकिन कोदो में थोड़ा समय लगता है। और ये हमारे परंपरागत मोटे अनाज में आता है, लेकिन ये अभी कुछ समय से हमारी थाली से और हमारे खेतों से और हमारे समुदाय और बीच से ये अनाज गायब हो रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान लगाने का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, ज़रूरतें बढ़ रही है लोगों की, आमदनी कम है, इसके कारण लोग धान को ज़्यादा लगाते हैं, और वो भी उस धान में भी ज़्यादा वो धान लगाते हैं जो हाइब्रिड धान होता है, देसी धान या देसी बीजों को उतना महत्व नहीं देते। तो जिसके वजह से हमारे जो परंपरागत अनाज है या पोषण विविधता वो ख़त्म हो रही है। लेकिन मुकुंदा यादव जी ने ये जो खेत में लगाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपके पास और पहले से भी है ये कोदो? दो क्विंटल है कोदो, 5-6 साल हो गए। कितने साल तक इसको रख सकते हैं हम? अब 15-16 साल तक रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोदो को 15-16 साल या 20 साल तक भी रख सकते हैं, ये बता रहे हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो लोग पहले इसको अकाल पड़ जाता था, सूखा पड़ गया या ज़्यादा पानी होने के वजह से फसल का नुकसान हो गया, तो उस समय इस अनाज को खाया करते थे। तो ये कोदो चिकित्सीय रूप से देखा जाए तो शुगर पेशेंट जो होते हैं उनको काफ़ी लाभदायी होता है। तो इसके चावल के रूप में या रोटी के रूप में जैसे भी उपयोग किया जा सकता है, और ये एक शुद्ध भोजन जैसा इन्होंने बोला वो उसके रूप में है। तो आपने इसमें कितना कोदो लगाया इस खेत में? 4 किलो, 4 किलो है कोदो। कितना हो जाएगा लगभग? अबे हो जाएगी क्विंटल, 1.5 क्विंटल हो जाएगा। तो 4 किलो में ये मुकुंदा जी का कहना है कि 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ मेहनत कितनी लगी आपकी? मेहनत तो से नहीं लगे जमा, अब जोताई बुवाई अब ही हर है, अब निंदाई कोड़ाई कुछ नहीं लगा है, बाग बना के वो भर के
तो मुकुंदा जी का कहना है कि धान के तुलना में इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और इसकी आप जड़ें बताइए क्या पहचाने। तो धान के पेड़ जैसे दिख रहा है, तो कैसे पहचानेंगे कि कोदो है ये? खरा तो है ये देख खरा है। सकते हैं कि कोदो की जो जड़ें हैं वो इस तरीके की लाल हाँ लाल, ये जो देख पा रहे हैं आप सा सा कि इसका जो तना है वो जड़ के वहाँ से लाल होता है, जैसे आप ये देखेंगे तो इतना ये लाल है थोड़ा सा। तो और बाकी फिर इसमें अभी बाली आएंगी, तो ये एक बहुत ही अच्छा अनाज है जो हमारी थाली से गायब हो गया। तो मुकुंदा जी ने ये लगाया है और हमें खेत दिखाने के लिए लाए थे ये। और इधर फिर इन्होंने ये अरहर भी लगाया है, जिसको आमतौर पर तुअर बोलते हैं या दलहन के रूप में अगर इसको कहा जाए तो। मुकुंदा जी ने, आप उनका खेत देखिए, ये अरहर भी लगाई हुई है। तो पोषण विविधता के लिए ये चीज जीवित रखने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो बाकी किसान भाइयों से क्या कहेंगे आप, और किसानों को क्या कहेंगे? अब राहर के खेती करना है ऐसे ढंग के करना है, और कोदो के कोदो ला बोना है तो ऐसे ढंग के बोना है, ऐसे ढंग के अब परिचय बताल पर ही किसान भाई जा। तो जी जी बिल्कुल। अभी एक और चीज़ है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एकड़ में अगर कोई मोटा अनाज, जिसको कोदो, कुटकी, सवा, बाजरा, मड़िया, रागी जिसको कहते हैं, अगर ऐसी फसल लगाते हैं तो 9,000 रुपये उसका अनुदान मिलेगा, ऐसा सरकार ने घोषणा करी है। तो ये कैसे है सरकार की घोषणा, और ठीक है इससे लोग लगाएंगे? तो हाँ ये मुकुंदा जी का कहना है कि अगर ऐसे सरकार प्रोत्साहन देती है तो लोग लगाएंगे। और ये भी सरकार ने ये भी कहा है कि वन समितियों के माध्यम से कोदो, कुटकी, रागी इनको खरीदा जाएगा और निर्धारित MSP यानी मैक्सिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस जिसको उचित मूल्य कह सकते हैं, वो रखा गया है। तो लगभग 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ये बेचा जा सकता है। तो आज मुकुंदा जी से आप मिले, ग्राम दानोखार, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के किसान। धन्यवाद।